नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने इस वीडियो की बहुत बार डिमांड करी है। आइए करते हैं एक एनालिसिस इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जर्मन एजुकेशन सिस्टम के साथ। आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन बैचलर्स और मास्टर्स दोनों जर्मनी से करी है। और इस वीडियो के लिए मेरे साथ हैं भारत चौधरी। भारत एक एजुकेशनल यूट्यूबर है जो इसी फील्ड में वीडियोज़ बनाता है, और स्पेशली कहूँ तो एक्सपर्टीज़ की फील्ड जर्मनी रिलेटेड एजुकेशन ही रही है इसकी, क्योंकि रिसर्च भी इसी के रिगार्डिंग करी है और वीडियोस भी इसी के रिगार्डिंग बनाए हैं यहाँ पर। लेकिन फ़र्क ही है भारत और मेरे में कि मैंने बैचलर्स मास्टर्स दोनों जर्मनी से करी हैं और इसने बैचलर्स इंडिया से करी है। कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो? दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है मुरतल हरियाणा में। अच्छा, तो बैचलर्स 4 साल वहाँ से किए और फिर मास्टर्स किस में करी थी? मास्टर्स मैंने करी है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ हैमबर्ग में, जर्मनी। अच्छा, तो ये वीडियो मुझे लगता है दोस्तों आपके लिए बहुत यूजफुल होगा ये जानने के लिए कि दोनों एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बेसिक क्या हैं, और क्या बेसिकली हम इंडिया में सीख सकते हैं जर्मन एजुकेशन सिस्टम से, और आप भी क्या सीख सकते हैं। तो कंपैरिजन शुरू करते हैं हम यहाँ से, कि स्कूल से शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्क आता है फोर्थ क्लास में। फोर्थ क्लास के बाद जर्मनी में स्टूडेंट्स को ऑप्शन दी जाती है, वो 3 स्कूलों में जा सकते हैं। एक होता है रियाल शूले, एक होता है गिमनाजियम, एक होता है हॉप्स शूले। तो स्टूडेंट्स की एबिलिटी को देखकर उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि हम 3 में से 1 स्कूल को चुनो। मतलब कोई ज़्यादा अच्छा होगा पढ़ने में तो उसे गिमनाजियम में भेजेंगे, तो कोई उससे बेकार होगा पढ़ाई करने में, बेकार वर्ड सही होगा यहाँ पर, या कह सकते हैं उनकी एबिलिटीज़ नहीं होंगी थ्योरी पढ़ने की, ये कह सकते हैं ना। ये मेरे ख्याल से बेटर डिस्क्रिप्शन रहेगा। क्योंकि वही है, एक सेट तरीके से फॉर्मेट है। जैसे इंडिया में हमारे एग्जाम्स होते हैं, जर्मनी में भी मतलब बच्चों को रैंक करने के लिए, फिर उनका एक तरीके से एबिलिटीज देखने के लिए वही स्टैंडर्डाइज एग्जाम्स होते हैं, और उसके हिसाब से वो देखते हैं कि, और ये कह सकते हैं कि कुछ बच्चे नहीं होते अच्छे पढ़ाई करने में, जो साइंस के बारे में पढ़ाई करनी हो या हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करनी हो। बिल्कुल। तो फर्क ये कि ये जो 2 स्कूल हैं, जिमनाजियम जो पढ़ाई होती है वो हमारे स्कूल में जैसे होते हैं वैसी पढ़ाई चलती है, लेकिन रियाल शूले और हॉप शूले में क्या होता है? तो रियाल शूले में क्या होता है, रियाल शूल जो अपश्लोस होता है, जो ग्रेजुएशन होती है रियाल शूल में, वो होती है 10th क्लास पे, और हॉप शूले में होती है 9th क्लास में। तो इसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या रहती है बच्चों के पास, कि वो एकदम से अपना स्कूल खत्म करने के बाद डायरेक्टली आउसबिल्डिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग का फायदा यह है कि वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी जो है एक तरीके से कोई ट्रेड सीख रहे हैं, मान लो कारपेंट्री या फिर प्लम्बिंग या फिर ड्राइविंग, जो कुछ भी है, और वो साथ में पैसे कमा रहे हैं, तो हर महीने के जो है उनको पैसे मिल रहे होते हैं। तो यानी 10th क्लास के बाद से ही एक बच्चा काम करना शुरू कर सकता है, अपनी एजुकेशन खत्म करके सीधा काम पे लग जाए, अगर किसी को सीधा काम ही करना है। मतलब कई लोगों को नहीं होता पढ़ाई करने में इंटरेस्ट, तो उन लोगों के लिए ऑप्शन अच्छा होता है, उन लोगों के लिए ऑप्शन बहुत बढ़िया होता है। प्लस जो लोग मेरे ख्याल से इकोनॉमिकली वीकर फैमिली से आते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है कि भाई एकदम से स्कूल खत्म किया और जो है अपना एक तरीके से प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया। और उस चीज से भाई तो किस टाइप की जॉब्स इस फील्ड के लोग करते हैं? तो जनरली मतलब जो कुछ भी जॉब्स हम मतलब देख सकते हैं एक तरीके से डेली लाइफ में, जैसे कि सेलिंग की कोई जॉब हो गई, या फिर जो है एक तरीके से सुपरमार्केट में काम करना, या फिर ड्राइविंग का काम करना, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, तो गार्डनिंग, जो कुछ भी इस टाइप के जो जॉब्स हैं, जो प्रॉपर मतलब इंजीनियरिंग साइड में या फिर ह्यूमैनिटीज या फिर वही मतलब यूनिवर्सिटी साइड में नहीं आती, जो कुछ भी एक्स्ट्रा साइड में दिखता है, उनकी मतलब काफी हद तक मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग ही की जाती है। तो एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि इंडिया में हम इन सारी जॉब्स को काफी लो लेवल पे देखते हैं, हम उन्हें ऐसा देखते हैं कि वो निचले लोग हैं जो ये सारी टाइप की जॉब्स करते हैं, और हमारे पेरेंट्स मजाक उड़ाते हैं कि अगर तू पढ़े लिखेगा नहीं तो क्या ये कारपेंटरी करेगा, कारपेंटर बनेगा, प्लम्बर बनेगा। लेकिन फर्क ये है कि जर्मनी में उन्हें उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है इन जॉब्स को। मैं ध्रुव को भी पहले एक एक्सप्लेनेशन दे रहा था, एक्सप्लेनेशन एग्जांपल दे रहा था कि जो है मैं एक दोस्त को जानता था जो कारपेंटर है, तो उसकी सैलरी इस टाइम पे जो है 3,200 यूरो है, और मास्टर्स करने के बाद, जैसे अगर मैं मास्टर्स करता सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से, मास्टर्स करने के बाद मेरी सैलरी जो है डिजाइनिंग फर्म्स में 3,600 यूरो होती। तो सिर्फ ज्यादा सैलरी में फर्क नहीं है, तो 400 यूरो के करीब बताओ फर्क। ये भी एक रीजन हो सकता है कि सेम लेवल पे देखा जाता है इन जॉब्स को, क्योंकि सैलरी भी सिमिलर सी रहती है, सैलरी सिमिलर, लाइफस्टाइल सिमिलर, जो भी चीजें एक इंजीनियर अफोर्ड कर सकता है बहुत हद तक दूसरे मतलब जो वोकेशनल ट्रेनिंग वाले लोग होते हैं वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर शायद लोगों के मन में सवाल आएगा कि फिर कोई इंजीनियरिंग करना ही क्यों चाहेगा।
पता है इंजीनियरिंग क्योंकि जर्मनी में काफ़ी एग्जॉस्टिव होती है, अगर इंजीनियरिंग लोग ये सोच के करते हैं ना कि भाई हाँ इंजीनियरिंग करेंगे ताकि जो है बढ़िया जॉब्स मिलेंगे ये वो और पैसे कमाने को, पैसे कमाने को, तो अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि क्योंकि इंजीनियरिंग काफी टफ ट्रेड है यहाँ पे जर्मनी में, कम से कम बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से जो है टेस्टिंग करते हैं और जो है प्रैक्टिकल काम बहुत ज्यादा होते हैं, तो ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ जाते हैं। जर्मनी में अगर देखेंगे ना तो यूनिवर्सिटीज में ड्रॉप आउट रेट काफी ज्यादा है बच्चों का। अच्छा। क्योंकि वो देखते हैं कि हाँ पहली चीज क्या है कि दे आर नॉट फोर्स्ड टू स्टडी, कि भैया ग्रेजुएशन की जरूरत ही नहीं है, अगर नहीं करनी ग्रेजुएशन तो कुछ और कर लो, पैसे तो कमा ही सकते हैं। ठीक है, तो जो अगर पैशन है सही में मतलब इंजीनियरिंग में कुछ करने का आगे सिविल का मैकेनिकल का जो भी है तो मतलब लोग ऑप्ट करते हैं इसके लिए। अच्छा। ये लोग जनरली पैसे के लिए ऑप्ट नहीं करते क्योंकि पैसे के लिए इकोनॉमिकली स्मार्टर डिसीजन ये है कि भाई अपना रियाल शुल क्या, तो बेसिकली पैशन पे फोकस करो, बिल्कुल जो आपको करने का मन है वो करो, पैसे तो हर जगह उतने ही मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर से मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर। हाँ, दूसरा डिफरेंस जो आता है वो है 11 12th के बाद। हमारे इंडिया में क्या होता है, तीन ऑप्शंस मिलते हैं, साइंस कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज चुनो, और तीन ऑप्शंस में कोई कैसे चॉइस कर सकता है, मतलब हजारों बच्चों को, मिलियंस ऑफ लोगों को आप तीन कैटेगरीज में फिट कर दो। जर्मनी में फर्क ये है कि उससे कहीं ज्यादा फ्रीडम है, आप इंडिविजुअली पिक आउट कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको 11 12th में पढ़ने हैं, तो बायोलॉजी भी पढ़ ली साथ में, उसके हिस्ट्री भी पढ़ ली, पॉलिटिक्स पढ़नी है आपको केमिस्ट्री के साथ वो भी पढ़ सकते हो, ये चीज इंडिया में पॉसिबल नहीं है 11 12th में, बिल्कुल है ना। काफी मुश्किल है, जैसे अब जितना मैं देखा कि कुछ बच्चे जो मतलब काफी ज्यादा ऑप्शंस अपने लिए ओपन रखना चाहते हैं वो क्या करेंगे कि नॉन मेडिकल में जो है अपना बायोलॉजी भी ले लेंगे। हाँ। और जो फिर मेडिकल के भी एग्जाम्स देंगे नॉन मेडिकल के भी, पर वो इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है क्योंकि एक तरीके से दोनों की डायरेक्शंस बहुत अलग अलग है, उसकी वजह से बाद में लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगती है। इंडिया में इनफैक्ट कहते हैं कि अगर ऑप्शंस ओपन रखने हैं तो साइंस लो, कहते हैं बिल्कुल, और साइंस लेने का मतलब है कि फिर कभी 11 12th में ना हिस्ट्री पढ़ी, ना सिविक्स पढ़ी, ना फिलोसफी पढ़ी, ना एथिक्स पढ़ा, तो इन चीजों की नॉलेज ही नहीं होती ज्यादातर लोगों को। मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत इस चीज से ये है, मैं अपना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं इंडिया में बैचलर्स में, मेरे साथ जितने बच्चे हैं ना वो अब बैचलर्स खत्म करने के बाद अब सारे के सारे जो है गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं। अच्छा। अब इसका मतलब उनको हिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है, सिविक्स पढ़नी पड़ रही है, जिसका कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता बताओ। तो यानी फिर 11 12th में जबरदस्ती उन्होंने वो पढ़ा जो नहीं पढ़ना चाहिए था उन्हें, तो ये सिस्टम एक तरह से मजबूर कर देता है ये चीजें पढ़ने में, बिल्कुल, और यहाँ पे मजबूर नहीं करता, बिल्कुल। तो अब यूनिवर्सिटी पे आते हैं, यूनिवर्सिटी तेरी एक्सपर्टीज है, बिल्कुल भाई एकदम पूछ। तो यूनिवर्सिटीज में मेरे को जो सबसे पहला जो फर्क लगा ना, और जो सबसे आई थिंक स्टूडेंट फ्रेंडली जो अंतर है वो ये है कि ट्यूशन फी बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ट्यूशन फी है जीरो। मैंने अपना दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ने के लिए भी साल की कम से कम जो है 1.5 लाख के करीब मैंने फीस भरी थी। हाँ। और यहाँ पे जो है TUHH की जो सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ट्यूशन फी कुछ नहीं होती। हाँ। तो वो जो है सिर्फ 300 यूरो पर सेमेस्टर, तो साल के 600 यूरो, और जो है एक तरीके से यूरोपी में कन्वर्ट करे तो 50,000 रुपए। ट्यूशन फीस का टॉपिक बहुत रेलेवेंट है क्योंकि अभी हाल ही में न्यूज भी आ रही है जैसे IIT में MTech की फीस बढ़ा दी गई है, अनअफोर्डेबल बनती जा रही है इंडिया में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी जो कि पहले नहीं होती थी। अभी JNU से भी न्यूज आई है, अभी जैसे मैं पढ़ने लग रहा था JNU में जो 10 रुपए पर महीना फीस होती थी रेंट की हॉस्टल की, वो बढ़ा के अब 1,000 रुपए से ज्यादा कर दी गई है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस ला दिए गए हैं। तो अगर एजुकेशन को आप इकोनॉमिकली वीक लोगों के लिए अनअफोर्डेबल बना दोगे तो लोग एजुकेटेड नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल। इसलिए जर्मनी क्यों अचीव कर पाता है क्योंकि वो एजुकेशन को सब्सिडी मिलती है। हाँ, तो टैक्स पेयर का जो पैसा होता है वो एजुकेशन सब्सिडी में जाता है, जिसकी वजह से सब लोग ये फ्री एजुकेशन अफोर्ड कर पाते हैं। कमाल की बात ये होगी जो तूने बैचलर्स करी होगी वहां पे जो कॉलेज होगा वहाँ की फैसिलिटीज कितनी बेकार होंगी। मैं बता रहा हूँ हॉस्टल मेरा टॉयलेट जाते थे सुबह, पानी नहीं होता था, इतनी बुरी हालत होती थी। और मतलब मेरे को ये सही में बिलीव नहीं हो रहा था स्टार्टिंग में कि यार ऐसे हो कैसे सकता है। इन्होंने बोला था कि ठीक है सबको जो है सिंगल रूम मिलेंगे ये सब कुछ करके, पर सुबह उठो मतलब ऐसी बेसिक अम्यूनिटीज नहीं है और तुम बैचलर्स कर रहे हो एक बढ़िया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हरियाणा में वो बढ़िया यूनिवर्सिटी मानी जाती है और उसमें जो है ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अच्छा। तो मेरे को तो जो है सिर्फ एक उस चीज से बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी, बाकी तो वही है पढ़ाई भी काफी थ्योरेटिकल रहती है इंडिया में जर्मनी के कंपैरिजन में। जर्मनी में मैंने मास्टर्स में देखा कि भाई अपना बढ़िया तरीके से एक्सकर्जन चल रहे होते हैं। अच्छा। प्रोफेसर जो हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हैं और उनके ऊपर एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये देखो बिल्डिंग देखो इसके ऊपर जो है ये कॉलम्स देखो इस यहाँ यहाँ पे शेयर फोर्स लग गए ये हो रहा है वो हो रहा है। इंडिया में तो भैया तू अपना RC वर्मा वगैरह कुछ खोल के अपनी किताब कि भाई यहाँ से जो है S. Ramanujan थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स
कि भाई चलो भाई यहाँ से स्टार्ट हो जाओ अपने एग्जांपल्स करने, तो ये भी मेरे को काफी ज्यादा डिफरेंस लगता है। अच्छा, तो प्रैक्टिकल ज्यादा फोकस्ड है इसका, मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैंने कभी नहीं पढ़ा कि कितनी थ्योरी होती है कितना प्रैक्टिकल होता है। एक एक चीज जरूर है कि वेकेशन सेमेस्टर मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, जैसे कभी मुझे मन किया कि कॉलेज की पढ़ाई चल रही है लेकिन 6 महीने मुझे ऑफ लेने हैं, मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, छुट्टी मनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ले सकता हूँ मैं, लेकिन ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है। नहीं, इंडिया में पॉसिबल नहीं है। इंडिया में क्या है, अगर एक भी एग्जाम नहीं दिया ना तो सबसे पहले, खैर एक एग्जाम में तो यूं है कि कम से कम रीअपियर लग गई, फिर जो है अगले अगले सेमेस्टर में दे दिया, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज में एक साल वेट करना होता है फिर देना होता है। पर अगर पूरा सेमेस्टर जो है वेकेशन ले ली तो सबसे पहले तो सबसे पहले जो है जो कंपलसरी अटेंडेंस है जो 75% की है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, वो जैसे ही गई तुम जो है उस सेमेस्टर के लिए जो है एक तरीके से सस्पेंड हो गए, ईयर बैक लग गया, फिर से स्टार्ट करो उसी सेमेस्टर से अगले साल। और ये वेकेशन वाली चीज तो इतनी कॉमन है यहाँ पे कि इनफैक्ट 12th के बाद ज्यादातर लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक साल की छुट्टी लेते हैं। इंडिया में लोग 12th के बाद एक साल लगाते हैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर करने में, यहाँ पर ऑलमोस्ट हर बच्चा एक साल के लिए कहीं कभी ऑस्ट्रेलिया जाता है, कभी इंडिया जाता है, कभी यूएसए जाता है, एक साल के लिए वो छुट्टी मना कर आते हैं। क्या बोलते हैं उसे, क्योंकि लोग बच्चों के पास पैसे तो नहीं होते, तो क्या बोलते हैं इस चीज को, ऑपेयर बोलते हैं शायद से। हाँ, ऑपेयर, जहाँ पे वो फ्री में रह रहे होते हैं मेरे ख्याल से, वहाँ पे काम करते हैं उस कंट्री में रहकर, पैसे कमाते हैं और घूमते हैं। बिल्कुल, तो एक साल के लिए लोग दुनिया का एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद अपनी कॉलेज की पढ़ाई शुरू करते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वो क्या करने वाले हैं। भाई ये सोच सोच के मतलब इतनी हंसी आ रही है, क्योंकि इंडिया में जो है ना सिर्फ घिसाई, पहले मतलब 12वीं के बाद एक साल बिल्कुल, अगर कहीं आंख उठा के कहीं और मतलब कमरे से बाहर देख ली ना, किताबों से बाहर कुछ देख लिया, घर वाले सबसे पहले बोले यार क्या करना है, तुम यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं मिलेगी, ढंग से पढ़ ले, देख अपने अंकल का बेटा जो है इसमें आईआईटी में लग गया, एनआईटी में लग गया। मैं कहा भाई, तो इस हिसाब से मतलब जो ये डिफरेंसेस देखते हैं ना जब, तो लगता है कि यार अपना देश कितना अलग है। अगर कई लोग सोचेंगे कि ये डिफरेंसेस इसलिए क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए सब लोगों को कॉम्पिटिशन ज्यादा है, इसलिए पढ़ाई करनी पड़ती है अगर लाइफ में ऊपर जाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने वो वोकेशनल ट्रेनिंग का एग्जांपल लिया। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि जर्मनी में कंपटीशन कम है इसलिए यूनिवर्सिटी में लोग इतनी रिलैक्स्ड तरीके से रह पा रहे हैं। फर्क ये है कि वहाँ पे बाकी जॉब्स को भी उतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो सब हर कोई कॉलेज में जाने के लिए मर नहीं रहा है यहाँ पर, हर कोई आईआईटी में जाने के लिए लड़ नहीं रहा है। लोग अगर किसी को कारपेंट्री पसंद है, प्लम्बिंग पसंद है, गार्डनरी पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, तो वो कर सकता है बड़े आराम से। एक और जो डिफरेंस होता है वो किसमें होता है, प्लेसमेंट्स में। भाई मेरा भारत इन जर्मनी जो यूट्यूब चैनल है उसमें मेरा सबसे ज्यादा कमेंट यही आता है, सर यू बताओ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी है जर्मनी में, कैसी है मास्टर्स के बाद। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें ध्यान रखने के लिए, कि जर्मनी में एक तरीके से कोई प्लेसमेंट्स नहीं होती, कि मतलब यूनिवर्सिटी किसी कंपनीज को नहीं बुला रही होती कि भैया आओ तुम जो है हमारे बच्चे लेके जाओ। जैसे TCS का सिस्टम होता है बैचलर्स में, TCS आती है भाई 150 बच्चे उठा के लेके जाती है कैंपसेस से, और क्या सैलरी कैसी होती है, कभी कभी 12,000 की, 15,000 की जो है सैलरी मिल रही होती है। तो उसका मेरे को ऐसा कोई सेंस लगता नहीं, जो बच्चे मतलब प्लेसमेंट्स के पीछे इतने पागल होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे क्या, अगर तुमने बढ़िया नेटवर्क बनाया अपना जो है, इंटर्नशिप करी, पार्ट टाइम जॉब करी बढ़िया कंपनीज में, उसके बाद जो ऑलरेडी एक तरीके से असिमिलेशन हो जाती है, जो कंपनीज क्या करती है, अगर जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते तुम, तो पार्ट टाइम जॉब के बाद जैसे तुम्हारी मास्टर्स खत्म हुई और तुमने बढ़िया काम किया तो अपना कंपनीज हायर कर लेती है। अच्छा, उसके बाद साथ तो प्लेसमेंट की कुछ बात ही नहीं है, इनफैक्ट दिक्कत ही नहीं है। मुझे तो जब पूछते थे मेरे दोस्त कि प्लेसमेंट का क्या है तेरा मानना, तो मुझे मैं पूछता था प्लेसमेंट क्या होती है, मुझे पता ही नहीं था प्लेसमेंट्स के बारे में। भाई इंडिया में इतना बड़ा टॉपिक है ना प्लेसमेंट, समझ ले अगर यूनिवर्सिटी चूज कर ली ना और उसमें मान ले बंदे ने जो है एनरोल कर दिया और उसके बाद जो है किसी ने आके जो है मजाक भी कर दिया कि भैया वहां पे तो कोई प्लेसमेंट नहीं है, कति हार्ट अटैक आ जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है आप लोगों को और इंटरेस्ट होगा इसके बारे में जानने में कि जर्मनी में कैसे सिस्टम काम करता है, अगर आपको पढ़ने आना है तो क्या करना है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा भारत ने एक कोर्स बनाया है अपना, क्या नाम है उस कोर्स का? कोर्स का नाम है कंप्लीट कोर्स फॉर स्टडिंग इन जर्मनी, जो academy.bharatinjermany.com पे है। मैंने एक कोर्स इसलिए बनाया क्योंकि पहली चीज तो मेरे को एक तो इंडियन स्टडी सिस्टम का आइडिया था, फिर उसके बाद किस हिसाब से मैंने खुद से जर्मन यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई किया, क्या कुछ डिफिकल्टीज आई, क्या कुछ गलत काम किए मैंने उस टाइम पे, जो तो उसमें सारी बेसिकली बता रखा है कि क्या क्या करना है जर्मनी में अप्लाई करने के लिए अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना है तो, और क्या अपॉर्चुनिटीज है, बहुत डिटेल में कोर्स में समझा रखा है यहाँ पे, अराउंड 80+ लेसन है उसमें, और जो है बहुत डिटेल स्टेप बाय स्टेप उसमें लेसन है। तो अगर आपको डिटेल में जाना है तो मैं कहूंगा आप कोर्स पे जा सकते हैं,
और आपके लिए यहाँ पर एक स्पेशल 10% डिस्काउंट है अगर आप कोड ध्रुव राठी इस्तेमाल करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कोर्स का, वहां पे जाके कोड डालना पड़ेगा इन्हें। हाँ, या फिर मतलब डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक क्लिक करोगे तो उसमें कोड ऑलरेडी अप्लाइड होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि मैंने बहुत देखा कि इंडिया में ना बतेरे मतलब एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं, और मेरे को सबसे भैया चीज क्या लगती है कि भाई उन्होंने खुद से कभी मास्टर्स नहीं कर रखी जिस यूनिवर्सिटी में वो तुम्हें भेज रहे हैं, उन्होंने खुद से कभी कभी बार तो उनपे बैचलर्स डिग्री भी नहीं होती पर बैठ के जो है अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बच्चों को भेज रहे होते हैं दबा के, और वो मेरे को जो है बिल्कुल हिपोक्रिटिकल लगता है क्योंकि अब मैं जो है सिर्फ जर्मनी प्रीच करता हूँ क्योंकि मेरे को जर्मनी का डिफरेंस पता है, मेरे को जर्मनी में इनसाइड आउट पता है किया हुआ है यहाँ पर, ना मैं कनाडा प्रमोट कर रहा ना यूएस वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ मेरे को जर्मनी का पता है, मैंने जर्मनी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है और मैं उसी के लिए बच्चों को मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से गाइड कर सकता हूँ। और इन कंपैरिजन लोग कहेंगे पैसे तो तू भी चार्ज कर रहा है ना कोर्स के, लेकिन तो लोग पैसे तेरे को देना क्यों प्रेफर करें एज कम्पेयर टू अ कंसल्टिंग कंपनी? क्योंकि मेन चीज ये है कि यहाँ पे अगर आप कभी भी अपना लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन आउटसोर्स कर दो किसी को, आपको क्या पता है कि वो ही इज डूइंग हिज बेस्ट जॉब है कि नहीं। इसलिए मेरे कोर्स का आइडियोलॉजी ये है कि भाई तुम सारी के सारी बढ़िया इन्फॉर्मेशन लो कोर्स से, सारे के सारे डूज एंड डोंट्स लो, सारे के सारे फॉर्मेट्स एग्जांपल्स टेम्पलेट्स जो भी है सब यूज करो, पर एप्लीकेशन अपने आप भरो क्योंकि जो है ये तुम्हारे लाइफ का सबसे एप्लीकेशन भर के नहीं देगा ये फर्क नहीं 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 ये मेरे को एक तो सबसे बड़ा अनएथिकल चीज लगती है क्योंकि भैया तुम किसी और के बेसिस पे क्यों अप्लाई कर रहे हो जब ये तुम्हारा लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है। मैं नहीं चाहूंगा कि कोर्स सिखाएगा बेसिकली लोगों को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और ये सब कर सकते हैं, कौन सी बढ़िया यूनिवर्सिटी है, कौन से कोर्सेज बढ़िया है, किस हिसाब से अप्लाई करना है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। तो ये काफी यूजफुल एडवाइजेज हैं, मुझे लगता है ये ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट करी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चेंज कुछ करना है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए, काफी चीजें तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि यूनिवर्सिटीज को और ज्यादा सब्सिडीज मिले ताकि उनकी ट्यूशन फीस कम करी जाए, कोर्स में लोगों को ऑप्शन दिया जाए, स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया जाए अपने सब्जेक्ट्स को खुद चूज करने का 11th 12th से, और अगर किसी को नहीं करना है तो वोकेशनल ट्रेनिंग जैसी चीज भी इम्प्लीमेंट की जा सकती है। बिल्कुल, मेन तो मेरे को ये लगता है कि बच्चे अपना पैशन परसू कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा ना स्पेसिफिक कोर्सेज है, मान लो कि किसी बच्चे का जो है 50% इंटरेस्ट जो है एक एक टाइप की फील्ड में, 50% किसी और में, तो उसका भी एक कोर्स मिल जाएगा यहाँ पे। ये बात बड़ी सही है, मैंने भी देखी थी कि ऐसा नहीं होता कि कोर्सेज बहुत जनरलाइज से हैं कि इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग करनी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, बहुत ही स्पेसिफिकली किसी फील्ड के अंदर जा सकते हो अगर करना है। जैसे जो यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर कई सब्जेक्ट्स उसमें ऐसे पढ़ सकते हो कि जैसे अफ्रीकन स्टडीज में आप अपने बैचलर्स कर रहे हो, आप बुद्धिज्म के बारे में अपनी बैचलर्स कर रहे हो, ऐसी ऐसी चीजों पर भी बैचलर्स और मास्टर्स की जा सकती है। बिल्कुल, हालांकि उनमें जॉब लेना बाद में बहुत मुश्किल होगा लेकिन पैशन की बात है यहाँ पे सब कुछ, अगर आपको वो चीजें पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं। अभी मैंने जर्मनी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर किया, अगर आप फिनलैंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कंपेरिजन चाहते हैं, जापान के साथ कंपेरिजन चाहते हैं, आप नीचे लिखे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको जर्मनी में और इंटरेस्ट है यहाँ पे पढ़ने आने के लिए, स्कोप देखना है, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं देखना है, तो मैं कहूंगा आप भारत का कोर्स खरीद सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो भारत का स्टडिंग इन जर्मनी का कोर्स है ये बहुत यूजफुल है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो काफी डिसेंट है, मतलब 359 यूरोस ये आपको कॉस्ट करेगा डिस्काउंट के बाद। तो क्योंकि बहुत मेहनत कर रखी है इसने एक साल तक इस कोर्स को बनाने में लगाया, आप देखोगे इतने सारे वीडियोज हैं इसमें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब बता रखा है कि जर्मनी में जब आप आओगे तो कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं यहाँ पर, क्या चीजें आपको देखनी है जब आप कोर्स में स्टडी करोगे, एडमिशन कैसे लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, उसके बाद जब आप आओगे तो सिलेबस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके बाद जॉब लगेगी आपकी, जॉब में सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, रेजिडेंस परमिट लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसके कैसे फॉर्म भरने हैं यहाँ पर, और अकोमोडेशन तक कैसे ढूंढनी है, तो सब कुछ है यहाँ पर अगर एक बार आपने खरीद लिया तो। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा खरीदने से पहले, क्योंकि इसका प्राइस काफी डिसेंट है, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने फैमिली मेंबर से बात कीजिए, और इसे तभी खरीदिए जब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो जर्मनी में आकर पढ़ने में, क्योंकि और टाइम लगा सकते हैं आप अपना, ये कोर्स कहीं नहीं जा रहा है, ये डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट का जो लिंक है ये भी कहीं नहीं जा रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ये कम से कम अगले एक दो महीने तक, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, अपने पेरेंट्स और फैमिली से बात कीजिए इस कोर्स को खरीदने से पहले, मैं बस इतना कहना चाहूंगा आपसे, धन्यवाद।